रामलीला, क्रिकेट, दंगल और भागवत वाला नेता ये है बांदा के दलजीत सिंह। सत्र में जाते हैं, बाकी मैं बहुत ज्यादा लखनऊ पसंद नहीं करता और मैं ज्यादातर तो अपने क्षेत्र में रहता हूँ और क्षेत्र का कोई भी कार्यक्रम रामलीला, दंगल, क्रिकेट, भागवत, यहाँ तक कि लड़के के बराहों में तो जाता हूँ, भैंस की पेसरी भी खाने जाता हूँ। ऐसा नेता, ऐसे मेरे विरोधी नेता कमेंट करते हैं कि ये तो लोगों को खराब कर रहा है, भैंस की पेसरी भी खाने जाता है। मैं बदनाम इस मामले पे, कहते हैं रामलीला, दंगल, क्रिकेट, भागवत वाला नेता। मैं गली गली घूमता रहता हूँ और 5 साल विधायक रहने के बाद मेरी जैसे मेरा आकलन किया जाए शारीरिक, तो अपने आप पता चल जाएगा कि मैं राम तलबी या ऐश्वराम वाला नहीं हूँ, फील्ड वर्कर हूँ। ये तिंदवारी विधानसभा के विधायक और इस बार फिर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बांदा के अमली कौर गांव के दलजीत सिंह अपने को एक साधारण कृषि परिवार का सदस्य मानते हैं। उनका मानना है कि एक आम आदमी की हैसियत से वे राजनीति में आए, पहले समाजवादी पार्टी और फिर कांग्रेस से वे चुनाव में खड़े हुए। परिवार से हूँ, न राजनीतिक सोच थी, न कोई इंटरेस्ट था। अचानक अपना काम धाम करते थे, खेती पाती, व्यवसाय, लोगों से अच्छा व्यवहार रहता था। चुनाव आया तो क्षेत्र के लोगों ने कहा चुनाव लड़ना चाहिए जिला पंचायत का। मैंने कहा कि मेरा स्वभाव नहीं है राजनीति में फिट बैठने का, लेकिन क्षेत्र के लोगों का, बड़े बुजुर्गों का दबाव था मेरे ऊपर कि नहीं लड़ना चाहिए। तो मैं पहली बार जिला पंचायत सदस्य लड़ा, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ा और मुझको 11,785 वोट मिले। लगभग मैं 8,700 वोटों से जीता, जो जिले में एक रिकॉर्ड वोट है। दलजीत सिंह का कहना है कि उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र का बहुत विकास कराया है और उनका काम अपने में बहुत कुछ बोलता है। यहाँ जैसे तमाम मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिन गांव में बिजली और सड़क नहीं थी, ऐसा कोई एक भी गांव ढूंढे नहीं मिलेगा मजरा पुरवा जहां बिजली सड़क नहीं। सबसे पहले जो ज्वलंत समस्या होती है, आम आदमी की मांग होती है, तो सबसे बड़ा काम तो यही हुआ है कि गांव-गांव जहां सड़क बनी है, 5 सालों में पुल बहुत बनाए गए हैं इस सरकार में, बिजली विद्युतीकरण हुआ है और लोहिया गांव चयनित कर करके ये अंदर गांव की गलियों में भी बहुत काम किया गया है, विकास खूब हुआ है। दलजीत सिंह का यह भी मानना है कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार और अवैध काम से वो हमेशा दूर रहे हैं। बिल्कुल पूरी लूट मची थी पूरे उसमें, हम लोगों ने, हाँ मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुग्रह करके, अनुरोध करके कहा कि ये बदनामी हो रही है, तो मुख्यमंत्री जी ने उसको हटा दिया। तो उसी खुन्नस में चूंकि मुख्यमंत्री जी को सही बात नहीं पहुंच पाती थी, एक बड़ा अधिकारी उससे 20 लाख रुपए महीना पर मंथली लेता था, वो संरक्षण दिया था और मुख्यमंत्री जी के बाद जब शिकायत जाती थी तो वो अधिकारी बचाव कर लेता था। और जैसे मैंने कहा कि अधिकारी ये महीना लेता है और मिली साठ गांठ है, बदनामी हो रही, तो मुख्यमंत्री जी ने हटा दिया। ये बात की खुन्नस में एसपी ने ये लेटर मेरे और लाखन भैया के खिलाफ लिख के चला गया जिला पंचायत अध्यक्ष। अब इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, हम ऐसी वैसी जांच के लिए नहीं तैयार, सीबीआई जांच के लिए तैयार। तो अगर सच निकल जाए कि हम दोनों लोगों की, मैं गारंटी लाखन भैया की भी देता हूँ, अपनी भी, एक ट्राली बालू के अवैध खनन का प्रूफ मिल जाए तो राजनीति से कम संन्यास ले लेंगे, जो सजा होती होगी खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार दलजीत सिंह जी इस बारी भी मैदान में हैं। इसके पहले भी वो विधायक रहे हैं 5 साल। उनका कहना है कि जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, खासकर किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और खनन में उनका बिल्कुल भी हाथ नहीं है। आइए जानते हैं उनके क्षेत्र की जनता से कि उनका क्या कहना है। जनता वादा करती है कि हम 2 लाख दे देंगे, लड़कियों के ब्याह होंगे, ये होंगे, ठीक, कार्ड माफ करेंगे। ये चुनावी माहौल में इतने सिस्टम होते हैं कि वोट पाने के लिए हर आदमी करते हैं, कुछ करके दिखाएं तब तो विश्वास हो। जैसे हम लोग वोट दिए परेशान हैं, अब हम कैसे विश्वास करें कि ये हमारे साथ भला कर देगा। पुष्पेंद्र थे सांसद, वो आज तक झांकने नहीं आए जमालपुर में, जिताया जमालपुर वालों ने, दिया वोट, अब बताओ क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज अच्छी कुर्सी में पहुंच गए हैं। 5 साल में हमने बताया कि हमारे जमालपुर में 500 मीटर की आरसीसी दी है और 1 साल में वो आरसीसी भी खत्म हो गई, ना कोई इधर विकास ना कोई कुछ। आप बरसात में आओगे तो घरों के आदमियों के घरों में पानी घुसता है, निकलने के लिए पानी जगह नहीं है, ना कोई नाली, सब जाम, कोई नाली नहीं, कोई आरसीसी, वो नहीं, सब सुविधाएं असुविधा है, सब
चला रहे हैं किसी तरह। बस इस बार हम चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आए, हमारा कुछ विकास हो हमारे उत्तर प्रदेश का, बुंदेलखंड का। जैसे हैं बालू माफिया, क्या करते हैं क्या नहीं करते, अवैध करते हैं कि सही करते हैं, अभी हो जाने। अगर हम उनसे जुड़े होते उनके खनन में तो बताते कुछ। लेकिन कभी सुना तो होगा आपने? नहीं सुना भी नहीं हमने दलजीत सिंह को कि अवैध खनन करवाता है। वैसे बालू माफिया लगभग लगभग सभी अवैध खनन कराते हैं, इसमें कहने की कोई बातें नहीं। विधायक जी ने जो काम कराया है उससे कुछ लोग खुश हैं, वहीं कुछ का कहना है कि 5 साल में जो काम हुआ है वो चुनाव आने के ठीक पहले हुआ है। अब क्या दलजीत दोबारा तिंदवारी में विधायक बन के लौटेंगे? जल्द ही लोगों का वोट बताएगा।